अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है नाइन्थ क्लास का जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि नेटवर्क्स के बारे में है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो नीड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था कि एड्रेसिंग की क्यों जरूरत होती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक हो गया। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट। जब हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं तो बेसिकली हम लोग किसी भी पेज के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और फिर उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बेसिकली क्या होता है, उसका सर्वर का रिस्पॉन्स होता है, ठीक हो गया। सो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आप फौरन से उन्हें वॉच करके अपने स्टडीज को कंटिन्यू रख सकें, ठीक हो गया। सो उससे पहले ये है कि सबसे पहले हम लोग जो मूव ऑन कर रहे हैं वो है आपके पास के सबसे पहले है द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। जैसे आपको पता है जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, सर्वर्स का जो एक टोटल सिस्टम है। जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं वो क्या हमें क्या करना पड़ता है, www राइट करना पड़ता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये है कि वो जो सर्चिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहा है, ठीक है। हम किसी भी स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक सिटी या स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं कर रहे। उसके बाद सर्वर सर्व्स अ रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट। जो क्लाइंट बेसिकली जो रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे मैंने कोई चीज सर्च करनी है मोस्ट फेमस प्लेसेस इन पाकिस्तान, जब मैंने गूगल पर टाइप किया, टाइप करने के बाद जो मैंने टाइप किया और मैंने एंटर प्रेस किया, बेसिकली ये क्या थी, एक रिक्वेस्ट थी किसी पेज के लिए। और जो मुझे उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला है सामने, वो बेसिकली क्या है, सर्वर ने मुझे सर्व किया है मेरी क्यूरीज के अकॉर्डिंग। तो दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। तो इस रिक्वेस्ट को क्या कहा जाता है, HTTP रिक्वेस्ट कहा जाता है। उसके बाद आपके पास है सो द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको इस चीज के बारे में पता होगा। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज। सो उसकी कम्युनिकेशन जो होती है किसमें, सर्वर में और क्लाइंट के दरमियान जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो रिस्पॉन्स जो होगा बेसिकली उस पे डिपेंड करती है आपकी क्या रिक्वेस्ट है और फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए। जो आप सर्च करने जा रहे हैं डेफिनेटली उसी से रिलेटेड क्या मिलेगा, आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है यूजिंग अ वेब ब्राउजर व्हेन यू टाइप अ URL। अगर आप लोग वेब ब्राउजर में कोई भी चीज सर्च करते हैं, URL जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, लाइक जैसे कि HTTP आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपके पास आपने लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब pakistan.gov.pk। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। तो आप इस जो एड्रेस जो है, जब कोई चीज सर्च करते हैं तो बेसिकली आप किसी भी रिक्वेस्ट को है सेंड कर रहे हैं। इन दिस रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट ऑफ वेबसाइट दैट मे कंटेन टेक्स्ट इमेजेस साउंड etc। जैसे ही हम गूगल पे सर्च करते हैं, सर्च के बाद क्या होता है, हमें उसका फौरन से रिस्पॉन्स मिलता है और रिस्पॉन्स की सूरत में वो पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वो साउंड या जो वीडियोस कोई भी हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो सामने शो अप हो जाएगा। एंड दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन HTML जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। सो वो क्या होगा कि ये जो कंटेंट है वो बेसिकली किसके जरिए इनपुट किया जाता है, वो HTML के जरिए इनपुट किया जाता है, जो कि हम यूनिट नंबर 5 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क्स एज HTTP क्लाइंट, और आपका जो कंप्यूटर है वो HTTP क्लाइंट वर्क करते हैं, बिकॉज हम लोग जो है रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हम खुद से कोई भी चीजें नहीं निकाल सकते। वेयर इज द कंप्यूटर सर्विंग यू अ वेब पेज, HTTP सर्वर और अ वेब सर्वर एज शोन इन फिगर 3.15। जैसे कि आपके पास ये है तो सबसे पहले इस सिस्टम ने, इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी किसके पास, इस सर्वर के पास, और फिर सर्वर क्या करेगा, वही HTTP आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स। तो ये क्या हो गया आपके पास क्लाइंट, यहाँ से जो सेंड हो रही है, और ये जो रिसीव हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, सर्वर की तरफ से हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्लाइंट ब्राउजर है और ये क्या है, वेब ब्राउजर है। उसके बाद आपके पास वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन एन इजी मैनर। अगर आप पूरी दुनिया से कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला भी आपके पास क्या है, वेब ब्राउजर से ही ओवरऑल जो डाटा एक्सेस किया जाता है। वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स
आपके पास क्या होंगे, फंक्शंस टुगेदर अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो वेब ब्राउजर और जो वेब सर्वर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम की तरह जो है मिलके काम करते हैं। क्लाइंट सर्वर इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशंस वेयर डेटा इज केप्ट इन सेंट्रल लोकेशंस सर्वर कंप्यूटर्स एंड एफिशिएंटली शेयर विद एनी नंबर ऑफ अदर कंप्यूटर्स द क्लाइंट ऑन रिक्वेस्ट। तो जो क्लाइंट आपके पास जो सर्वर जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं एप्लीकेशंस को, और जहां पर डाटा जो है एक जगह पे स्टोर किया जाता है और फिर उसी डाटा को जो सर्वर होता है वो पिक करके दूसरी जगह पर लोकेशंस पर शेयर करता है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास है अंडरस्टैंडिंग एंड आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग के बारे में हमने लास्ट टाइम मैंने छोटा सा टॉपिक बताया था कि नीड ऑफ एड्रेसिंग क्या है। सो अब आपको आईपी एड्रेसिंग जो हम लोग दो जो है, एक आपके पास आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, इन दोनों के बारे में इंशाल्लाह इस डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको इसके बाद जो है क्लियर जो है वो सब चीजों का पता चल जाएगा। ठीक हो गया। आईपी एड्रेस जो बेसिकली होता है वो स्टैंड फॉर किस लिए होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस की एब्रिविएशन क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। बेसिकली ये होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, उसका एक अपना एड्रेस है। ठीक है। और किसी भी पेज को एक्सेस करने का भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है। किसी भी कंप्यूटर का भी अपना एक एड्रेस होता है, सो उन्हें हम लोग आईपी कह सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो वो कह रहा है कि इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज एसोसिएटेड विद अ डिवाइस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो ये एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसमें आप किसी भी डिवाइस के नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो उसका आईपी एड्रेस जो है वो आपके मोबाइल पर या आपकी डिवाइस के साथ जो है वो शो आउट हो रहा होता है। ठीक हो गया। एन आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय अ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। सो आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कौन करता है, तो वो क्या होते हैं कि जिसे हम DHCP कहते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देयर आर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग, वन इज आईपी वर्जन 4 एंड अनदर इज आईपी वर्जन 6। अगर हम बात करें आईपी वर्जन 4 की, एड्रेस इज लाइक दिस। ये आपके पास आईपी वर्जन क्या है, आपके पास 4 है। ये आपके पास 172, 16, 54 और 1, ये टोटल आपके पास क्या है 4 बन रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो है आईपी वर्जन 6, एड्रेस लुक्स लाइक जैसे 2001 लिखा हुआ है, DB8 है, 0 है। और उसके बाद ये आपके पास जो कंप्लीट नजर आ रहा है ये क्या है, आईपी एड्रेस वर्जन जो है वो 6 है। ठीक हो गया। व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइन, जब इंटरनेट प्रोटोकॉल को सबसे पहले डिजाइन किया गया, द स्टैंडर्ड वाज नाउन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो ओरिजिनली जब इसको बनाया गया सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल को, तो उसको कौन सा वर्जन का नाम दिया गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एज शोन इन द अबव एग्जांपल, द आईपी 4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट। ये जो आपके पास ऊपर वाला आईपी ग्रुप 4 है, ये क्या है, बेसिकली 4 ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया जाता है और सेपरेट किससे किया जाता है, इसे डॉट से। तो इसीलिए आईपी वर्जन इसे 4 कहा जाता है। एंड वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। ये जो 1 आपके पास जो 72 है, 16 है, 54 है, 1 है, तो ये जो आपके पास वैल्यूज है ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 to 255। तो 255 हमारे पास क्या होता है कि 2 power 8 के इक्वल होता है, जो हमारे पास जो है मैक्सिमम इसकी जो बिट्स होंगे वो कितनी होंगी, 2 power 8। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन यूनिट 2 द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमने पहले भी यूनिट नंबर 2 में कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा है। अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास 255 के कितने बिट्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बिट्स आपके पास होंगे टोटल। इट शोज दैट द मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। IPv4 के हर एक ग्रुप के लिए क्या होंगी, मैक्सिमम 8 बिट्स होंगी। बट आपके पास कितने ग्रुप है, इसमें टोटल 4 ग्रुप है, तो मतलब 8 इसके लिए, 8 इसके लिए, 8 इसके लिए और 8 ही इसके लिए होंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 plus 8 plus 8 कितने बनेंगे, अब ये बन जाएंगे 32। आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल आईपी एड्रेस इन IPv4 स्टैंडर्ड। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, टोटल 32 बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद
ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, जैसे कि आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है डिवाइसेस जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही हैं, सो IPv4 एड्रेस आर रनिंग आउट, IPv4 की जो कैपेसिटी है, जो एड्रेसेस है वो खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस, जैसे डिवाइसेस डे बाय डे बढ़ रही हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए अनदर स्टैंडर्ड ऑफ आईपी एड्रेसिंग इज इंट्रोड्यूस विच इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल 6। एक और नया जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम लोग क्या कहेंगे IPv6 जो है वो न्यू आपके पास जरूरियात है, न्यू नीड्स है, उनको पूरा फुलफिल करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। आप देखें यहाँ पर कितने थे आपके पास, 32 बिट्स थे, यहाँ पर कितने हैं आपके पास 128 बिट। इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय डॉट कॉलन के साथ जो है सेपरेट किए जाते हैं, एज शोन इन द अबव एग्जांपल। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। हर एक जो ग्रुप होगा उसमें 4 हेक्साडेसिमल क्या होंगे, इसमें डिजिट्स होंगे। टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। एक हेक्साडेसिमल को डिजिट को स्टोर करने के लिए हमें 4 बिट्स की जरूरत होती है। अगर आप साथ पढ़ते आ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद सो फॉर अ ग्रुप इन IPv6 we need 16 bit and for 8 groups total total आपके पास कितने चाहिए 120 bits are required। मतलब क्या हुआ कि IPv4 के लिए हमें कितना चाहिए था 32 bit और अगर हम बात करें IPv6 के लिए हमें कितना चाहिए 128 bits जो है उसके लिए जरूरी है। ठीक है। एक hexadecimal digit है उसमें 4 bits होते हैं, 4 hexadecimal digits में कितने होंगे 16 और आपके पास total आपके पास it has a 4 hexadecimal digit 4 है तो so each group requires कितने होंगे 16 bits हर एक ग्रुप में होंगे तो total groups कितने हैं आपके पास 8 है तो 8 होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 128 bits। आप ये जरा देखें यहाँ पर ये 4 का ग्रुप था बट यहाँ पर 8 bit है तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 तो टोटल आपके पास कितने बन गए हैं 8 का ग्रुप जो है वो ये कंप्लीट है तो हर एक जो ग्रुप है ये कितने बन रहे हैं ये जैसे 4 बिट है 1, 2, 3, 4 ये 4 बिट है आपके पास तो एक एक जो डिजिट है ये हेक्साडेसिमल है तो ये आपके पास 4 हो गए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितनी होगी 16 तो ये जो 2001 है बेसिकली ये क्या होगा 16 बिट इसमें स्टोर होंगे और यहाँ पर भी 16 ये भी 16 तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 16-0 आ जाएंगे तो इस तरह आपके पास ओवरऑल कंप्लीशन होगी तो ये आपके पास आईपी एड्रेस जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। और जैसे कि आपके पास 8 ग्रुप रिक्वायर्ड 8 मल्टीप्लाई बाय 16 जिसे हम लोग टोटल कितना कहेंगे 128 बिट। Do you know IPv6 was developed by the Internet Engineering Task Force जिसे हम लोग IETF कहते हैं। IPv6 became a draft standard in December 1998 and became an internet standard on July 14 क्या होगा 2017। So क्या होगा कि इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है वो 17 में बना बट ड्राफ्ट स्टैंडर्ड जो है वो इसका दिसंबर 1998 में जो है इसे लॉन्च कर दिया गया था। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास बेटा आई थिंक सो आप लोगों को इस इन चीजों के बारे में जो अब तक मैंने बताई है अच्छी तरह से पता चल गया होगा। कुछ आपके पास ये भी है ऑल्दो IPv4 इज स्टिल इन यूज टूडे एंड प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस। जो आपके पास IPv4 है उसने 4.3 बिलियन जो है वो एड्रेसेस प्रोड्यूस किए हैं बट आपके पास हाउएवर दिस नंबर इज लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है अगर सभी डिवाइसेस यूज करते हैं तो उससे ये क्या है बहुत ज्यादा कम है। वी ऑल्सो नो दैट नाउअडेज मेनी पर्सन हैव मोर देन 1 डिवाइसेस कनेक्टेड विद द इंटरनेट एट अ टाइम। ऐसे ही है एक ही पर्सन जो है वो दो दो तीन तीन डिवाइसेस भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। IPv6 कैन अलाउ अप टू 2128 एड्रेसेस व्हिच इज 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10^28 मोर देन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन IPv4। तो आई थिंक दैट्स टू मच इनफ जो है आपके पास जो है इसकी एड्रेसेस इसमें बन जाएंगे।
सो ये आई थिंक जो है वर्ल्ड की ये इनफ है क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक हो गया। सो ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो IPv4 और IPv6, तो IPv6 डेफिनेटली न्यू स्टैंडर्ड है, वही अब यूज किया जा रहा है। सो ये दोनों IP एड्रेसिंग जो है आप लोगों को समझ आ गए होंगे, जैसे कि हर एक नेटवर्क डिवाइस के साथ जो है एड्रेसिंग जो है वो मौजूद होती है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने याद क्या क्या चीजें करनी है, याद करने में आप लोगों ने बड़ा मुहतात रहना है कि आपने ये जैसे आपके पास सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट है, सो ये डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। जिस तरह मैं अगर आपको हाईलाइट करवाता हूं, तो यहां से देखें ना वर्ल्ड वाइड वेब, ये तमाम चीजें सर्वर रिक्वेस्ट करना, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट इन दिस यू आर आपके पास क्या है, गेट द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट दैट मीन टेक्स्ट इमेजेस etc, दीस कंटेंट्स एम्बेडेड इन द हाइपरटेक्स्ट बार्बर लैंग्वेज दैट डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक आपके पास जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप ये पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट अगर देखें कंप्यूटर जो है वर्क एज अ HTTP क्लाइंट और वेरियस द कंप्यूटर सर्विंग योर वेब पेज इज कॉल्ड द HTTP सर्वर। अगर आप क्लाइंट टू सर्वर आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं तो वो आप लोग यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। आपके पास ये क्लाइंट हो गया, वेरियस द कंप्यूटर सर्विंग योर वेब पेज इज कॉल्ड HTTP सर्वर, और जिसे हम वेब सर्वर भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपके पास वेब ब्राउजर जो होते हैं वो यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। सो वेब ब्राउजर क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप कोई डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, सो नेक्स्ट आप लोग मूव ऑन करेंगे कि अंडरस्टैंड IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग क्या होती है, IP एड्रेसिंग हमने जैसे कि पहले भी बताया ये आपके पास डायनामिक जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग जो होंगे, कौन से होंगे, IPv4 और IPv6। ये जैसे कि 4 ग्रुप वाली है ये आप लोगों को बताई थी, अब इसमें दोनों की सेपरेट सेपरेट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं, सेपरेट एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि यहाँ से आपके पास जो है ये आपके पास इट शोज द मैक्सिमम 8 बिट्स और ये आपके पास 32, ये आपके पास पैराग्राफ कितना है IPv4 का, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है कितनी डिवाइसेज जो है कनेक्ट की जा सकती हैं ये। और उसके बाद अगर हम IPv6 की बात करें तो अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेज, यहाँ से स्टार्ट कर दें इसको, यहाँ से ये स्टार्ट करें, और उसके बाद क्या है आप लोग इसको सारा जो है पैराग्राफ जो है यहाँ से हाईलाइट करके आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद है आपके पास इसकी जरा एक्सप्लेनेशन टाइप है, एक्सप्लेनेशन ये है कि उसकी टोटल आपको वर्किंग बताई गई है, तो ये आप जो स्टेप्स हैं ये 4 स्टेप्स जो अच्छी तरह से ये कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाउ आपके पास जो बिट्स जो 128 बिट्स जो है टोटल होती है किसमें, IPv6 एड्रेस में। और उसके बाद आपने बेटा ये चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू यू नाउ, IP एड्रेस को कब डिवेलप किया गया, ये MCQs भी आ सकते हैं एक अलग से, और उसके बाद जो है इसको स्टैंडर्ड में कब लाया गया, तो वो क्या है आपके पास 14 जुलाई 2017 और कि किस मतलब आपके पास इदारे ने बनाया था जो कि गया था इंटरनेट ऑफ इंजीनियरिंग टास्क और जो है IETF भी कहा जाता है, ठीक हो गया। सो ये आपके पास आज का टॉपिक था, आई होप सो कि आप लोगों को जो तमाम चीजें जैसे आज मैंने आप लोगों को समझाई है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद करना है, लर्न करना है, कॉन्सेप्चुअल चीजें जो आपने प्रिपेयर करनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।